हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ विशाखा क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनल अकाउंटिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंट्रीज। तो इसमें हम सीखने वाले अलग अलग एंट्रीज ऑफ, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से देखेंगे फाइनल अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। जैसे हमने अब पहले देखा था सोल प्रोप्राइटर के लिए हमें क्या क्या चाहिए रहता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। तो इसमें भी हम कुछ और अलग देख सकते हैं या वो ही देखेंगे, ये हम आगे जाके आपको मैं बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर देना, जिससे आपको मिलते रहे मेरे चैनल के आपको नोटिफिकेशंस। आप चाहिए तो मुझे टेलीग्राम चैनल विशाखा सीए एकेडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं, और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देख सकते हो ये हम पूरा ओवरव्यू पढ़ने वाले हैं, जिसमें दिया है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट के चार हिस्सों यहाँ पे बांट दिए हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको मालूम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मालूम है, ट्रेडिंग अकाउंट भी मालूम है। अब नया है क्या है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। देखो मैन्युफैक्चरिंग की जो एंट्री होती है वो अलग से बना जाता है। जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाती है तो उसको बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। तो ये भी एक हमारा फाइनल अकाउंट का ही पार्ट होता है, और ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट इसके एडिशनली हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ये सब चीज यहाँ पे होती है। अब मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स या कुछ आएंगे तो वो आ जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में। ट्रेडिंग अकाउंट शो द ग्रॉस प्रॉफिट व्हाइल द मैन्युफैक्चर अकाउंट शो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये अगर आपको ध्यान दें, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया था, लो में पढ़े थे जब सेल्स की बात की थी, जब हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में सुना था। देखो यहाँ पे यूज होते हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे सोल्व करना है वो भी हम देखेंगे आगे जाके। और मैन्युफैक्चर अकाउंट डील किस में करता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस। और जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो डील करता है फिनिश गुड्स पे ही। ठीक है, तो आगे आ जाते हैं, हमें बनाना कैसे है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए आपको रॉ मटेरियल जो भी कंज्यूम करेंगे, देखिए रॉ मटेरियल कंज्यूम जो भी करेंगे हम, वो उसको ऐड करना है। फिर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ऐसे हमें मिलेगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम इज अराइज एट आफ्टर एडजस्टमेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ द रॉ मटेरियल, अगर इस तरीके से हो जाए तो हम वहाँ पे करते हैं ओपन इन्वेंटरी ऑफ द रॉ मटेरियल। इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक, तो रॉ मटेरियल का जो ओपनिंग स्टॉक प्लस रॉ मटेरियल जो हमने परचेस किया वो, और जो भी लास्ट में रॉ मटेरियल जो बच जाता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, उसको माइनस करेंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूमिंग हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे करना है। देखिए 1 लाख यूनिट वे परचेस इन फैक्ट्री, पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट वॉज ₹10 एंड पर यूनिट लेबर कॉस्ट वॉज ₹5, देन अपार्ट इट वॉज एग्री टू पे रॉयल्टी एट द ₹3 पर यूनिट टू द जापानीज कोलैबोरेट हु सप्लाई द टेक्नोलॉजी। क्या क्या दिया है, रॉ मटेरियल दिया था 1 लाख × 10 करेंगे, कुछ नहीं करना, नॉर्मली हमें फाइंड करना कि कितना क्या क्या कंज्यूम किया है, ये वाला फॉर्मूला से हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल दिया था, वेजेस दिया गया था और एक्सपेंस दिया गया था, वही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, टोटल करो, तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना हो गया है। अब आता है कि इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और द ओवरहेड एक्सपेंस कुछ हो जाए तो कुछ नहीं करना है, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मटेरियल, वेजेस सभी होते हैं उन सबको क्या कर दो, प्लस कर दो, तुम्हें ओवरहेड मिल जाएगा। इनडायरेक्ट मटेरियल्स का मतलब होता है कि सडनली मुझे कुछ रिपेयरिंग करना या मेंटेनेंस जो हो गया या कभी आग लग गई है, कुछ भी हो जो इनडायरेक्टली कॉस्ट हमें लग जाता है वो। इनडायरेक्ट वेजेस जहाँ पे जिस दिन उन लोग कुछ काम करते नहीं है, छुट्टी का दिन हो या होल्डिंग पे हो गया हो या मेंटेनेंस वर्क में एक्स्ट्रा वेजेस देना पड़ रहा है वहाँ पे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस के लिए यहाँ पे आ जाएगा, जैसे हमें कोई ट्रेनिंग एक्सपेंस करना, या मैं अभी ट्रेनिंग दे रही हूँ, ट्रेनिंग पे मुझे खर्चा करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, कुछ नए बंदे आएंगे तो उसके ऊपर
इंश्योरेंस प्रीमियम्स का प्लान करना पड़ेगा। तो ये सब मिला के मुझे क्या बन जाता है यहाँ पे, ओवर हेड। बाय प्रोडक्ट्स दिए हैं, बाय प्रोडक्ट्स में मतलब क्या हो जाता है, देखो मोगलास इज द बाय प्रोडक्ट इन द शुगर फैक्ट्री एंड बटर मिल्क इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द डेली विच प्रोड्यूस द बटर एंड घी चीज एक्सेट्रा। बटर मिल्क से क्या क्या, बटर मिल्क से क्या क्या प्रोड्यूस होता है, बटर चीज, बाद में आप पनीर, अलग अलग जो भी चीज़ें होती है हमारी, वो सब कहाँ से अज्यूम करती हैं, बटर मिल्क से। ये है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का ओरिजिनल आपका लिए फॉर्मेट है, जो आपको एग्जाम में इसी तरीके से आपको बनाना है। तो क्या दिया है, टू रो मटेरियल कंज्यूम लिखेंगे, जिसमें ओपनिंग इन्वेंटरी मतलब ओपनिंग स्टॉक भी लिख सकते हो आप, एट द परचेज एंड लेस द क्लोजिंग स्टॉक। टू इनडायरेक्ट डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस लिख देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में लॉयल्टी हायर चार्जेस आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रिपेयरिंग्स बाद में मेंटेनेंस डेप्रिसिएशन फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, और लास्ट में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा। ये कैसे आएगा मैं बताती हूँ आपको अभी, इसका हम आगे जाके देखेंगे ये सब कहाँ से आने वाले। फिर आता है बाय प्रोडक्ट ऑफ द नेट रियलाइजेशन वैल्यू, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड बाय ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे हम यूनिट्स लिखेंगे और उसके हमें जो अमाउंट्स रहेगी वो मल्टीप्लाई करके हम वहाँ पे लिख लेंगे। सम देखते हैं, सम देखने से ही हम समझेगा कि आंसर सॉल्व कैसे करना है। देखते हैं, देखो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 10,000 यूनिट, 16,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 12,000 यूनिट, 20,000, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल 1,70,000, क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल 1,19,000, परचेस 8,20,000, हायर परचेस ऑफ मशीनरी एट द रेट ₹0.6 पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग, हायर परचेस ऑफ फैक्ट्री 2,20,000, डायरेक्ट वेजेस क्या लिया लेकिन यहाँ पे यूनिट्स में दिए गए हैं, क्लोजिंग WIP भी यहाँ पे यूनिट्स में दिया गया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिए हैं 1,18,000 एंड यूनिट प्रोड्यूस दिया है 5 लाख यूनिट्स। ठीक है, ये यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इसके बेसिस पे ही हम अभी आगे सम देखेंगे, सम्स कैसे करना है बताती हूँ मैं आपको, उसी स्टेप से आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो देखो पहले फॉर्मेट बनाएंगे, जिसके नाम की बुक हमें बनानी है वो, मैन्युफैक्चर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 लिख देंगे, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, ऊपर डेबिट लिखना, यहाँ पे क्रेडिट लिखना इसमें लिखा नहीं है, आप जरूर लिख लेना। आप हमारा फॉर्मेट आपको मालूम है कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट, यहाँ पे जो भी हम पहले यूज करते थे ना सेम वैसे ही बनाना है। देखिए टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा 10,000 यूनिट, 16,000 अमाउंट आ जाएगा, बाद में टू रॉ मटेरियल कंज्यूमिंग ओपनिंग इन्वेंटरी 1,17,000, ये देखिए ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल 1,70,000, क्लोजिंग इन्वेंटरी 1,90,000, और परचेस में से माइनस, पहले परचेस ऐड कर देंगे फिर क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस कर देंगे, हमें यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा। डायरेक्ट वेजेस का यहाँ पे कुछ अभी मैं अमाउंट बताऊंगी बाद में आपको कैसे आया है। बाद में तो वर्क इन प्रोग्रेस इन्होंने दिया हुआ था, ठीक है इतना हम करते, ये सब हम अभी बाद में करेंगे। फिर देखो डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए भी वर्क इन नोट बोला है यहाँ पे, और हायर एक्सपेंस के लिए यहाँ पे दिया हुआ है अमाउंट, ये हमने अमाउंट यहाँ पे सभी डाल दी है। अब आता है कि हमें हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है ये देखते हैं। हायर परचेस ऑफ मशीनरी एट ₹0.6 पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग किया है, और डायरेक्ट वेजेस कंडक्ट 0.8 पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग, 0.8 के हिसाब से, यूनिट कितना था 5 लाख यूनिट था, उसके ऊपर 0.8 करेंगे 4 लाख आ गया या 4 लाख आ गया यहाँ पे। फिर वापस ऊपर की तरफ देखो क्या दिया है, 0.8 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP, ये पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग मतलब इस पे निकालने बोला उन्होंने डायरेक्टली, ठीक है। और जब बोलेंगे पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग WIP, तो क्लोजिंग WIP का कितना यूनिट था, 12,000 यूनिट के हिसाब से चल रहा है यहाँ पे बराबर, तो उसके ऊपर जो अमाउंट रहेगा उसके ऊपर हमें क्या निकालना है, 0.4 निकालना है। तो 12,000 यूनिट पे 0.4, अच्छे से पढ़ोगे तो ही समझेगा, बाकी आप ऐसे ही पढ़ते हुए जाओगे तो नहीं समझेगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइड मतलब इसके ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये अमाउंट आ गया,
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये अमाउंट आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, अच्छे से समझो क्या है। जब उन्होंने खुद बोला यूनिट मैन्युफैक्चरिंग, नीचे दिया रहता है यूनिट प्रोडक्ट जो दिया रहेगा। फिर यहाँ पे अगर क्लोजिंग WIP बोला तो क्लोजिंग WIP देखो, अगर ओपनिंग WIP देखा तो ओपनिंग WIP का यूनिट देखो। जैसे तुम्हें यहाँ पे आंसर्स उसके हिसाब से हमें मल्टीप्लाई करना है और दोनों करना है। अब ये दोनों अमाउंट 4 लाख 4 लाख के हिसाब से दोनों अमाउंट जाएगा, और फिर वो हमारी दूसरी अमाउंट भी यहाँ पे चली जाएगी। ये वाली अमाउंट यहाँ आ गई और ये 3 लाख वाली अमाउंट यहाँ आ गई। इन सबको मैं ऐड करूंगी, इसको भी ऐड करूंगी। इन दोनों को जब माइनस करने पे जो हमें वैल्यूएबल मिलेगा वो वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे, और इस तरह से हमें यहाँ पे आंसर मिल गया। ठीक है, ये हमारा आता है लास्ट में जो ट्रेडिंग अकाउंट दिया गया था। कितने प्रोडक्ट्स थे? 5 लाख का प्रोडक्ट था, ये खाली अमाउंट फाइंड करना था। दोनों को माइनस करने पे ये साइड अमाउंट आ जाएगा। तो बाय ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड ट्रांसफॉर्म 19 लाख। ठीक है, ये वाला अमाउंट जाएगा तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में, ये वाला अमाउंट जाता है। अब मैं आती हूँ तुम्हारे लिए वहां पे जहाँ पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब बनाना है। ये देखिए सब यहाँ पे करना है आपको, सिर्फ मैन्युफैक्चर अकाउंट जिस तरीके से करने बोला था मैंने आपको वैसे ही करना है। हम क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे जिससे हमें समझ जाएगा। देखो ट्रायल बैलेंस में दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ 1 अप्रैल दिया गया है, रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स। ठीक है, बाद में सन्डरी डेटर्स कैरेज ऑन परचेज बिल रिसीवेबल वेजेस सैलरी टेलीफोन पॉटेज रिपेयरिंग ऑफ ऑफिस फर्नीचर्स कैश एट बैंक ऑफिस फर्नीचर्स रिपेयर टू प्लांट परचेज प्लांट एंड मशीनरी प्लांट लाइट जनरल एक्सपेंस। और क्रेडिट साइड दिया है सन्डरी क्रेडिटर बिल पेएबल सेल ऑफ स्क्रैप कमीशन रिसीव प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कैपिटल अकाउंट सेल्स ओ बैंक ओवरड्राफ्ट। सबसे बेस्ट तरीका है नोटबुक, ये जो अपनी टेक्स्ट बुक है या तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ना उसका एक बेस्ट तरीका बता रही हूँ। पेन लो, पेंसिल लो, कुछ भी लो, साइड में लिख दो किधर जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट टी लिखने का, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए टी लिखने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए पी लिखने का, बैलेंस शीट के लिए बी लिखने का, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के लिए एम लिखने का, और डेबिट क्रेडिट आपको मालूम है तो T.D, T.C, M.D, M.C, P.D, P.C इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है। अब हमें क्या आएगा, हमें यहाँ पे कब बोला वो आगे का और एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 दिया है, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स सेमी फिनिश गुड्स सैलरी एंड वेजेस अनपेड दिया गया है, मशीनरी टू डेप्रिसिएशन बाय 10% एंड ऑफिस फर्नीचर दिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया गया है, ऑफिस प्रीमियम ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ टोटल एरिया दिया है, लाइटिंग इज टू बी चार्ज एज द 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस बोला है, प्रिपेयर द मैन्युफैक्चर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सब बनाने के लिए हमें यहाँ पे बोला है। देखो फॉर्मेट आपको मालूम है, ये मैन्युफैक्चर अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, ये ट्रेडिंग अकाउंट के लिए फॉर्मेट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, और यहाँ पे नीचे हमें बनाना है बैलेंस शीट बनाना है। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन में। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल का रॉ मटेरियल्स दिया, तो रॉ मटेरियल्स का स्टॉक का आएगा मैन्युफैक्चर अकाउंट में, वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चर अकाउंट में, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर और क्या दिए हैं, और एक और आइडिया देती हूँ, यहाँ पे जो नीचे नीचे जितने भी एंट्रीज दी है ना यह ऊपर जाके ना यहाँ पे टिक कर लो, यहाँ पे सब पे ना एक टिक टिक मार लो जिसका जिसका दिया रहेगा जिसकी भी, ठीक है, जिससे तुम्हें ना सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगी। फिर आता है सनरे डेटर, ये जाएगा असेट्स में, कैरेज और परचेज सेम अपना डेबिट साइड में जाएगा, बिल रिसीवेबल असेट्स वेजेस मैन्युफैक्चर अकाउंट सैलरी जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टेलीफोन एंड प्रोडक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैश एट बैंक असेट्स ऑफिस फर्नीचर असेट साइड में रिपेयर टू प्लांट का साइड से नीचे कुछ तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया था क्या? नहीं कुछ नहीं दिया, यहाँ पे वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा रिपेयर टू प्लांट में जाएगा असेट्स में, परचेज कहाँ जाएगा मैन्युफैक्चर अकाउंट में, प्लांट एंड मशीनरी असेट्स रेंट असेट्स अपना मैन्युफैक्चर अकाउंट में जाएगा, लाइटिंग मैन्युफैक्चर अकाउंट में भी जाएगा एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाएगा। बताती हूँ क्यों, यहाँ पे तुम्हें नीचे एक एंट्री दी गई है ये वाली, इसलिए ये वाली एंट्री के हिसाब से मैं बता रही हूँ।
फिर आता जनरल एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड एयर, बैलेंस शीट में जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर, लाइबिलिटी, बिल पेबल, लाइबिलिटी, सेल ऑन स्क्रैप, ये तो भंगार है जाएगा, कमीशन रिसीव भी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट में, सेल्स ये जाएगा तुम्हारा इसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट भी बैलेंस शीट में ही जाएगा। ठीक है, अब ये वाले तो तुम्हें हम एक एक करके बाद में देखेंगे, पहले ये देखो, रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखोगे, टू ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल परचेस लिखा, और ये क्लोजिंग स्टॉक वाली ये वाली अमाउंट है वो यहाँ आ जाएगी तुम्हारी, इन सबको प्लस माइनस करो, यहाँ पे लिख दो, बाकी तो मैंने बता दिया। अब आता है रेंट, रेंट पे हम चले जाते हैं, यहाँ पे कुछ बोला गया है, जैसे यहाँ पे देख लो, सैलरी एंड वेजेस अनपेड फॉर मार्च वो एक्सपेड 912,000, वो तो वैसे ही चला जाएगा। फिर देखो लाइट टू थर्ड बोला है, वो वाला मेन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे लाइट टू बी चार्ज टू थर्ड टू फैक्ट्री बोला है, वन थर्ड टू ऑफिस बोला है, तो लाइट का अमाउंट लो, मल्टीप्लाई बाई टू करो, डिवाइड बाई थ्री करो, 1350 मल्टीप्लाई बाई टू डिवाइड बाई थ्री, तुम्हें आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन टू प्लांट बाद में करेंगे, देखो जो जो बात में करने वाले वो बात में ही करने वाले हैं, और क्या यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक और वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ तो वो अमाउंट यहाँ से ले लेंगे। देखो सेमी फिनिश गुड्स बोला ना, यही वाला यहाँ पे आ जाएगा, सेल ऑन स्क्रैप भी आ जाएगा, ये वाला हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, जब तक तो और कुछ एंट्री आने वाली रहेगी उसके लिए हम यहाँ पे बाद में इसको कैलकुलेशन कर देंगे। मैन्युफैक्चर में नहीं, आप टोटलिंग कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग और टोटलिंग कर दो, ये तुम्हें बैलेंस मिल जाएगा, ये बैलेंस डाल दो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में, टू कॉस्ट ऑफ गुड ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चर अकाउंट डाल देंगे, ओपनिंग स्टॉक मैंने अभी आपको बताया था, फिनिश गुड्स को ओपनिंग स्टॉक लिखोगे, और यहाँ पे एक क्लोजिंग स्टॉक हमें जो दिया गया था नीचे, सेल्स का अमाउंट ये रहा, ये वाला अमाउंट, और फिनिश गुड का ये क्लोजिंग स्टॉक, तीनों चीजें यहाँ पे हम आके लिख देंगे, फिर इसका आपस टोटल माइनस कर दो और तुम्हें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, वो यहाँ पे आके स्टॉप कर दो, और ये ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब तो सैलरी तो हमने कुछ नहीं आएगा, टू इसका ये सब आ जाएगा, ये सब सेम है। अब ये वाली अमाउंट 900 कैसे आई है, इन्होंने यहाँ पे बोला है सैलरी पे 900 और वेजेस पे 2000, तो वो यहाँ पे 900 की एंट्री यहाँ पे आ गई है, माइनस प्लस किया और यहाँ पे ऐड कर दिया। जब आउटस्टैंडिंग 900 यहाँ पे डाल रहे हो तो आउटस्टैंडिंग का एक और एंट्री होती है, वो भी हम एंट्री डाल देंगे, यहाँ पे आ जाएगा सैलरी पेबल बोला ना, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी इन आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख के भी आप यहाँ पे एंट्री लिख सकते हो, तो दोनों एंट्री यहाँ पे आ गई। फिर रेंट का तो पहले ही बता दिया, लाइटिंग का भी आपको मालूम है, जनरल एक्सपेंस मालूम है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिपेयर 1% ऑफ ₹1,67,200, 1% के हिसाब से बोला है, तो ये देखिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू मेंटेन एट 1% ऑफ सेल्स, सेल्स कितना था 1,67,200, ये ऊपर दिया हुआ था, उससे पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो और तुम्हें यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा। एग्जिट प्रोविजंस भी दिया गया था, लेस एग्जिट प्रोविजन, वो हम यहाँ पे माइनस करेंगे, अमाउंट बाहर मिल जाएगा। कमीशन की एंट्री यहाँ पे ग्रॉस वेज दोनों को प्लस माइनस करो, देखो कौन सा साइड आ रहा है, यहाँ पे आया नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट जाएगा कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। अब आता है मेन, यहाँ पे बहुत कुछ करना है, जिसमें आता है प्लांट एंड मशीनरी 70,000, और जिसमें उन्होंने डेप्रिसिएशन बोला है, ये देखिए यहाँ पे मशीनरी टू बी डेप्रिसिएशन 10%, फर्नीचर टू बाय द 71/2% के हिसाब से, तो डेप्रिसिएशन लिख दो, इसको भी फर्नीचर लिखो, डायरेक्ट 71/2 लिखो, परसेंट का साइन दबा दो, आ जाएगा आंसर तुम्हारा, माइनस करो वैल्यू बाहर मिल जाएगा। ये जो दोनों एंट्री है लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड टू डेप्रिसिएशन ऑन द ऑफिस फर्नीचर, दोनों एंट्री यहाँ पे डाल दो, तुम्हारे आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हमें यहाँ पे जो मिला था 1,672, उसकी दूसरी एंट्री यहाँ पे होगी। हमेशा ध्यान रखना ट्रायल बैलेंस की एक एंट्री होती है, एड्रेस एंड इन्फॉर्मेशन की दो एंट्री होती है, तो ये दूसरी एंट्री यहाँ डाल देंगे,
दोनों को माइनस करके अमाउंट बाहर आएगा, तुम्हारा बैलेंस है, दोनों टैली होना चाहिए, नहीं होगा तो रॉन्ग किया तुमने किधर ना किधर। तो यहाँ पे हमारा, मैंने लेसन आपको एक्सप्लेन कर दिया, मॉड्यूल 2 का फर्स्ट लेसन भी कंप्लीट हो गया, मतलब 7 लेसन भी कंप्लीट हो जाता है हमारा, और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी सब कुछ सेम है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी सेम है, बैलेंस शीट भी सेम है, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में जो चीज़ें हम करते थे वो सभी चीज़ें चली जाएगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, बस वहाँ का जो फिनिश गुड्स होता है वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखने का रहता है। तो इसमें आज इतना ही, अगले एपिसोड में कुछ नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, कुछ नए लेसन के साथ मैं वापस आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, और आप मुझे फॉलो कर सकते हो विशाखा सी एकेडमी पे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे आपको मैं लिंक्स और कुछ भी डाउट हो तो वहाँ पे भी पूछ सकते हो। नहीं तो 24/7 आपके लिए यूट्यूब कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हो।